After completing the topics of cash management and cash budgeting, students, let's now move towards another important topic, that is about cost. And if we talk about cost in a, you know, conventional business way, तो वहां पर cost और expenses दो terms use की जाती हैं. आम तौर पर cost से मुराद जो लागत है, जो वो अगर हम manufacturing business की बात करें, जो कोई चीजें बना रहे हैं, तो वो cost की term use करते हैं अपने उस raw material पर जो उन्होंने cost लगाई है, जो वो खाम अपना माल लेके आए हैं जिससे आगे उन्होंने final product बनानी है. और expenses में वो दूसरी चीजें, ये जो बिल्स और ऑल दैट, ये आइटम्स कंसिडर कर लेते हैं. हम जब बात करते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की, तो उसमें चूंकि ये एक सर्विसेज या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह का इसका नेचर है, तो इसमें हम कॉस्ट और एक्सपेंडिचर में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं रखते. हम उसी को कॉस्ट कंसिडर कर रहे होते हैं जो हमारे एक्सपेंडिचर्स हैं. और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हमारी अगली जो डिस्कशन है कॉस्ट के हवाले से, ये चलेगी. ये बताना इसलिए जरूरी था ताकि आप कॉस्ट और एक्सपेंसेस या एक्सपेंडिचर्स की टर्म्स को लेके कंफ्यूज ना हो जाएं कि जी ये वहां पे आप एक्सपेंस कह रहे थे या आप कॉस्ट कह रहे हैं. तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के हवाले से इनमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं. कंट्रोल ऑफ कॉस्ट की बात करें अगर, तो जहां पर हमने कैश मैनेजमेंट पर इतनी बात की और हमने कहा कि ये बहुत जरूरी है, कैश मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, कैश बजटिंग की एक अहमियत है, उसी तरह स्टूडेंट्स आपकी कैश मैनेजमेंट या कैश बजटिंग तब तक इफेक्टिवली नहीं चलेगी जब तक कि आप साथ ही साथ कॉस्ट को भी कंट्रोल ना कर पाए. अगर आप कॉस्ट को ही कंट्रोल नहीं कर सकेंगे तो फिर कैश मैनेजमेंट आपको क्या फायदा पहुंचाएगी. तो ये तमाम चीजें फाइनेंशियल मैनेजमेंट जब आप पढ़ते हैं तो उनमें ये चीजें बहरहाल इंटर रिलेटेड, जहां एक तरफ आपको कैश अपना मैनेज करना है, वहीं पर दूसरी तरफ स्टूडेंट्स आपको अपनी कॉस्ट को भी कंट्रोल करना. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू हैव द इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ कॉस्ट. नाउ फोकस ऑन द वर्ड इफेक्टिव, नॉट जस्ट कंट्रोल बट इफेक्टिव कंट्रोल टू कीप कॉस्ट डाउन to reasonable level and to eliminate waste. के जो नागुजीर हैं, जो जरूरी हैं, जो unavoidable costs हैं, उनको इस तरह effectively control किया जाए कि उन्हें एक reasonable level पे लाया जाए. और जो जरूरी ही नहीं है, जिनसे avoid किया जा सकता है, उनको एलिमिनेट कर दिया जाए, उनको आप वैसे ही निकाल दें. सो इसके बाद हम देखते हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स कॉस्ट के हवाले से, जिनको हम वन बाय वन डिटेल से भी पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर मकसद ये है कि आप इन टर्मिनोलॉजीज को देखें, जिसमें सबसे पहले क्या है, टोटल कॉस्ट और यूनिट कॉस्ट. हम इन सब को अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के हवाले से इन सब पर बात करेंगे. टोटल कॉस्ट, जो सम ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर्स, और पर यूनिट कॉस्ट क्या है. अगर आप उस टोटल कॉस्ट को डिवाइड करेंगे आपके नंबर ऑफ यूनिट्स पर, तो आपके पास पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी. एक सादा सी मिसाल है ना, अगर आपने फर्ज किया 100 चेयर्स बनाई 500 रुपए में, तो पर यूनिट क्या बनेगा, 500 डिवाइडेड बाय 100,
5 आपकी जो है वो पर यूनिट कॉस्ट निकल आएगी। इसके साथ एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट पर भी बात करेंगे, किस तरह इनका आपस में एक रिलेशनशिप है, कैसे मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट को इंपैक्ट करती है, इस पर भी बात करेंगे। फिर हम ये भी देखेंगे कि जो नेचर ऑफ कॉस्ट है ये रेकरेंट है या कैपिटल है। रेकरेंट कॉस्ट कौन सी होती है और कैपिटल कॉस्ट कौन सी होती है, ये हम आने वाले टॉपिक्स में इन पर बात करेंगे। और इसके साथ हम ये भी देखेंगे कि हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में रिसोर्स कॉस्ट कौन सी हैं और मॉनिटरी कॉस्ट कौन सी है, मनी कॉस्ट कौन सी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नॉमिनल कॉस्ट और रियल कॉस्ट। नॉमिनल कॉस्ट वर्सेस, ये जो आप VS का साइन देख रहे हैं, आप गेम्स और स्पोर्ट्स भी देखते होंगे, इसका मतलब है वर्सेस, नॉमिनल कॉस्ट वर्सेस रियल कॉस्ट। कि नॉमिनल कॉस्ट क्या होती है और वर्सेस लिखने का मकसद ये है कि हम इन आपको इन दोनों का एक कंपैरिजन या डिफरेंस काइंड ऑफ थिंग हम दिखाएंगे कि अब ये नॉमिनल और रियल कॉस्ट में फर्क क्या है। यू सी, सो ऑल दीज आर द रेलेवेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट। उसके बाद हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में कंट्रोल ऑफ कॉस्ट के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इन कॉन्सेप्ट्स को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है और हम इन सब कॉन्सेप्ट्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे।